व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। पनीर टिक्का सैंडविच बना रहा हूँ आज। अब ये जो पनीर टिक्का सैंडविच है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इसमें बिल्कुल आपको वो पनीर टिक्का अलग से नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। सिंपल सैंडविच ब्रेड है, सिंपल एक फिलिंग बनाएंगे, पैन के अंदर ही सारी चीज़ें हो जाएगी और फटाफट से ये रेसिपी बन जाती है। अब यूजुअली जब भी वो कॉफ़ी शॉप्स में जाते हो, वहाँ पर जो पनीर टिक्का सैंडविच मिलता है, ये वैसे ही वाला बनता है, उससे भी डिलिशियस बनता है। अब बच्चों के स्कूल टिफ़िन के लिए रेसिपी चाहिए, नाश्ते के लिए रेसिपी चाहिए, तो ये रेसिपी परफेक्ट है। बहुत ही फटाफट बन जाती है और बहुत ही डिलिशियस बनती है। इसको ग्रिल करना भी बहुत आसान है, कोई आपको ग्रिलर टोस्टर की ज़रूरत नहीं है, तवे पर ही इसको ग्रिल कर सकते हो। आसान सा पनीर टिक्का सैंडविच एकदम स्मोकी फ्लेवर वाला कैसे बनता है देख लेते हैं। एक बोल में 1 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड कीजिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। अच्छे से आपको मिलाना है तेल को और मिर्च को, इससे क्या है मैरिनेशन में कलर जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। तब इसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 चुटकी भुनी हुई कसूरी मेथी का पाउडर, 1 चुटकी इलायची का पाउडर, ये ऑप्शनल है, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 2 टेबलस्पून थिक वाला दही और टेस्ट के हिसाब से नमक। ये सारी चीज़ें ऐड करके आपको मिक्स कर लेना है। ये मैरिनेट बेसिकली बनाया हमने, तंदूरी वाला मैरिनेट, तंदूरी फ्लेवर जो है वो इसी से आएगा। ये आप देख सकते हो मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। एक ऑप्शनल स्टेप कर रहे हैं, जलता हुआ कोयला ले रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा इसमें घी डाल रहा हूँ और इसको आपको ढक देना है। ये ऐड कर दोगे ना तो आपका मेजर काम हो जाएगा, वो तंदूरी वाला जो फ्लेवर है इसमें आ जाएगा। तो एक कोशिश कीजिए करने को, अगर कोयला नहीं है घर पे, एक दालचीनी को भी जलाकर यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, बट करोगे तो मज़ा आ जाएगा। बस 2 से 3 मिनट ढकने के बाद ढक्कन को निकाल दीजिए, केयरफुली कोयले को निकाल कर पानी के नीचे डाल दीजिए और ये आप देख सकते हो हमारा तंदूरी मैरिनेट जो है वो रेडी हो गया। ये जो तंदूरी मैरिनेट हमने बनाया है, इससे वो तंदूरी वाला टिक्के वाला जो फ्लेवर है वो आ जाएगा। अब बस सिंपल प्रोसेस बाकी है। एक पैन के अंदर हम लोग पनीर, कैप्सिकम और प्याज को सौते करेंगे, मैरिनेट डाल देंगे और हमारी फिलिंग रेडी हो जाएगी और फिर सैंडविच बना लेंगे। बस इतना सा आसान है। बस ये मैरिनेट आपको बनाना है, 5 मिनट लगते हैं, बाकी फिलिंग बन जाएगी, 10-15 मिनट में आपका पूरा काम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 250 ग्राम पनीर को ऐसे डाइस करके रखा हुआ है, एक लार्ज प्याज को भी ऐसे डाइस करके रखा हुआ है और 2 मीडियम साइज़ की कैप्सिकम को इस तरीके से डाइस करके रखा हुआ है। अब एक वॉक को हाई फ्लेम पर गरम कर लीजिए। अब इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन और 1 टीस्पून तेल ऐड कर दीजिए। तेल इसलिए ऐड किया है कि मक्खन जले नहीं, तेल और मक्खन गर्म हो जाए, तब इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर दीजिए। बस 1 से 2 मिनट के लिए आपको स्टर करके इसको पकाना है, हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए तब इसमें डाइस की हुई कैप्सिकम ऐड कीजिए। कैप्सिकम को भी हाई फ्लेम पर बस 1 मिनट के लिए आपको पका लेना है। फिर इसके अंदर पनीर ऐड कर देना है, पनीर को भी ऐड करके बस हल्का सा इसको मिला लीजिए। उसके बाद इसमें जो हमने तंदूरी मैरिनेट बनाई थी वो ऐड कर दीजिए। हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पनीर टूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सैंडविच के अंदर ही जाना है। पनीर का जो टेक्सचर है वो एकदम सॉफ्ट होता है, तो पनीर टूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर कुक कर लीजिए। ये देख सकते हो हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब यहाँ पर इस स्टेज पर बस टेस्ट कर रहा हूँ कि नमक एडजस्ट कर लूँ इसी स्टेज पर, क्योंकि सैंडविच बनाने के बाद वो कर नहीं पाएंगे। नमक अगर ज़रूरत है तो ऐड कर दीजिए, अच्छे से स्टर कर दीजिए। हमारी जो पनीर टिक्का वाली सैंडविच की फिलिंग है वो रेडी हो गई है। इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करके आपको रूम टेम्परेचर पर ले आना है, थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। एक बार ये फिलिंग ठंडी हो जाए, इसमें हमको मेयोनीज मिक्स करनी है। मिक्स करने से पहले आधी क्वांटिटी जो है निकाल कर एक बोल में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जितने सैंडविच बनाने उतनी ही फिलिंग आप एक टाइम पे तैयार कीजिए। यहाँ पर लगभग 2 से 3 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर रहा हूँ, अच्छे से इसको मिला रहा हूँ। ये मेयोनीज ऐड करने से काफ़ी वो एक क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। मेयोनीज अगर नहीं ऐड करनी है कम्प्लीटली ऑप्शनल है, सीधा ये फिलिंग यूज़ करके भी आप सैंडविच को बना सकते हो। तो हमारी पनीर टिक्का सैंडविच की फिलिंग एकदम परफेक्टली रेडी हो गई है। अब आपको 2 सैंडविच ब्रेड की स्लाइसेस ले लेनी है, उसके ऊपर सॉफ्ट मक्खन आपको अच्छे से लगा लेना है। तो दोनों स्लाइसेस पे अच्छे से मक्खन आप स्प्रेड कर लीजिए, अच्छे से मक्खन लगा लीजिए। एक बार आपने मक्खन लगा दिया है ब्रेड के ऊपर, उसके बाद आपको 2-3 चम्मच इस पनीर टिक्का फिलिंग के सैंडविच पे इवनली स्प्रेड कर देने, इवनली लगा देने। अच्छे से आपने देखा कैसे इसको स्प्रेड कर दिया है। इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक चीज़ का स्लाइस ऐड कर रहा हूँ, चीज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल है लेकिन डालोगे तो बहुत अच्छा लगता है।
स्लाइस ऐड करने के बाद ऊपर से सैंडविच ब्रेड का स्लाइस प्लेस कर दीजिए, हल्का सा इसको प्रेस कर दीजिए कि एक साथ आ जाए सैंडविच। सैंडविच हमारा रेडी हो गया है, इसे अभी ग्रिल करना है। तो ग्रिल करने के लिए यहाँ पर मैंने एक ग्रिल पैन ले लिया है। ग्रिल पैन नहीं हो, नॉर्मल तवा भी ले सकते हो, कोई भी तवा यूज़ कर रहे हो, तवे को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है सैंडविच को ग्रिल या टोस्ट करने से पहले। तो पैन एक बार आपका अच्छे से गर्म हो जाए, इस पर अच्छे से मक्खन लगा लीजिए। मक्खन लगाने के बाद आपको सैंडविच को प्लेस कर देना है। ऊपर से एक प्लेट रख दीजिए, हल्का सा प्रेशर अप्लाई कर दीजिए तो ही वो ग्रिल मार्क्स आएंगे। अब मीडियम लो फ्लेम पर आराम आराम से 2 से 3 मिनट के लिए इस सैंडविच को एक तरफ से आपको अच्छे से पकाना है, जब तक कि ये क्रिस्प नहीं हो जाता है। 2 से 3 मिनट के बाद प्लेट को हटाकर चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो सैंडविच एकदम अच्छी तरीके से ग्रिल हो चुका है। अब जो कच्ची वाली साइड है सैंडविच की, ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा दीजिए कि सैंडविच को हम दूसरी तरफ से भी अच्छे से पका पाएं। ऊपर बटर लगाने के बाद इसको फ्लिप कर दीजिए केयरफुली। आप देख सकते हो ग्रिल मार्क्स क्या बढ़िया तरीके से आए हैं। ऊपर से फिर से प्लेट रख दीजिए, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर दीजिए और 2 से 3 मिनट के लिए या एकदम क्रिस्प होने तक दूसरी तरफ से भी सैंडविच को अच्छे से पका लीजिए। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो दोनों तरफ से हमारा सैंडविच एकदम परफेक्टली ग्रिल हो चुका है। इसे निकाल कर एक चॉपिंग बोर्ड पे ट्रांसफर कर दीजिए। अब इसे आप ट्रायंगल में या स्क्वायर्स में अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। या आप देख सकते हो हमारा पनीर टिक्का सैंडविच रेडी हो गया है, लेट्स प्लेट इट वाइफल स्टाइल। ये जो पनीर टिक्का सैंडविच है बहुत ही डिलिशियस बनता है और आपने देखा कितना आसान है इसे बनाना। मेयो के साथ बनाना है, चीज़ के साथ बनाना है, उसके बिना बनाना है, आपकी मर्जी है। वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, जो भी ब्रेड यूज़ करनी है कर सकते हो। हरी चटनी अंदर लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। साइड में सर्व करना चाहते हो जैसे मैंने की है वैसे भी सर्व कर सकते हो। साथ में थोड़े चिप्स सर्व कर दीजिए, केचप सर्व कर दीजिए, मज़ा आ जाता है। इस सैंडविच को आपको अगर ग्रिल नहीं करना है, अगर कच्चा ही खाना है तो वो भी खा सकते हो, क्योंकि हमारी पनीर टिक्का जो फिलिंग है वो अच्छे से हमने पकाई होती है। एज अ कोल्ड सैंडविच भी ये सैंडविच बहुत ही डिलिशियस लगता है। तो इस सैंडविच की रेसिपी ज़रूर ट्राई करो अपने घर पे। मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू IFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल सैंडविच रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।